नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा में जिस तरह से इजरायली बंधकों की लाश मिली, इसके बाद नेतन्याहू पर लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इजरायली लोग अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या किया जा रहा है बंधकों को छुड़ाने के लिए। क्या नेतन्याहू जिस तरह से बातचीत करना चाहिए उनको, उस तरह की बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर वो चाहते ही नहीं कि किसी तरह से बातचीत हो और वो सिर्फ युद्ध का रास्ता ही अख्तियार करना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरह से इजरायली बंधकों की लाश मिली है, अब एक तरह से कहिए कि जो इजरायली आवाम है वही सड़कों पर उतर आई है और नेतन्याहू पर बड़े बड़े सवाल दाग रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये जो 6 डेड बॉडीज मिली हैं इजरायली बंधकों की, ये गजा का रफा शहर है, वहाँ की एक टनल से मिली है। और देखिए, पिछले कुछ समय से इजरायल की जो IDF सेना है जो गाजा में एक्शन कर रही थी, ये वहाँ की तमाम जो सुरंगें हैं उनकी तलाशियाँ ले रही थी, उस पर जो है उनकी जाँच की जा रही थी। तो उसमें जो है एक सुरंग में से रफा शहर में ये 6 डेड बॉडीज़ मिली हैं। और IDF इजरायल की जो सेना का कहना है, उनके मुताबिक इन सब 6 की 6 नागरिकों की सिर पर गोली मारकर हत्या की गई है। और इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से एक नागरिक जो है वो अमेरिका का भी है। तो इसकी जो पुष्टि है खुद जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है कि जो 6 नागरिकों के शव मिले हैं उनमें से एक शव जो है वो अमेरिकी नागरिक का है। तो अब देखिए, इस पूरी घटना के बाद एक तो इसकी कई 3-4 एस्पेक्ट हैं जो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ये डेड बॉडीज मिली उसके बाद इजरायल में बड़ा जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है और पूरे इजरायल में जो है वो वहां की खुद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हमने देखा कि लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और बहुत कहते हैं ना कि बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि 100 से ज्यादा बंधक, जिसमें से कुछ लोगों को छोड़ा गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बंधकों को छुड़ाने की प्रक्रिया करनी चाहिए, नेतन्याहू सरकार को उस तरह की चीजें दिखाई नहीं दे रही है और इसी का रोष है उनके मन में। देखिए, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा प्रदर्शन है और करीब 3 लाख लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे अलग अलग जगह पे। और इन सब का कहना ऐसा था, और विपक्ष का भी इजरायल में कहना ऐसा है कि जो पीस प्रोसेस को लेकर जो वार्ता हो रही थी, जो पहले हमने देखा कि अभी काहिरा में जो वार्ता हुई और जो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई, तो वहां के लोगों का कहना ऐसा है कि नेतन्याहू सरकार की तरफ से जो कुछ नई शर्तें जोड़ दी गई जो कि हमास को मंजूर नहीं थी और जिसकी वजह से ये पीस प्रोसेस नहीं हो पाई, ये उसी का नतीजा है कि अब बंधकों की हत्या हो रही है। और कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट जो है वो हमास की तरफ से भी जारी किया गया है कि भाई जो पीस प्रोसेस था, सीज फायर होना था, जो एक शांति प्रक्रिया थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई, इसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है, इजरायल की गवर्नमेंट जिम्मेदार है और उसी का नतीजा है कि ये 6 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन देखिए, ये एक तरफ तो ये एस्पेक्ट है ही कि नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन दूसरा इस घटना का बहुत ही इंटरनेशनल जो प्रतिक्रिया है वो भी बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है और पूरे दुनिया में जो है वो इसकी आलोचना की जा रही है। नेतन्याहू सरकार की तरफ से तो जो एक्शन है वो आगे लिया ही जाएगा। देखिए, इजरायल ने एक बात साफ कर दी है कि भाई ये जो कुछ हुआ, जो हमारे बंधकों के साथ किया गया, इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। अब देखिए, अभी जो है जो पोलियो अभियान चल रहा है गजा में, उसको लेके एक प्रकार से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सीज फायर है, जो कि इजरायल की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस घटना ने सब कुछ फिर से एक बार बदल के रख दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इजरायल जो है एक बार फिर अपने नागरिकों की हत्या का बदला ले और बड़ी स्ट्राइक गजा पे कर सकता है। बिल्कुल। और मयंक, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अमेरिका का भी एक नागरिक था जिनका शव बरामद किया गया है, जो 6 लोग मारे गए हैं जिनके शव को बरामद किया गया है। जो बाइडेन ने भी कड़ी निंदा की है और दूसरी तरफ इजरायल ने भी कहा है कि इसका बदला साफ तौर से विदेश मंत्री हो या फिर इजरायल के प्रवक्ता हो, सरकार के प्रवक्ता हो, उन्होंने भी कह दिया कि अब इसका ज़बरदस्त बदला लिया जाएगा और हम छोड़ेंगे नहीं। साफ साफ हमास की ओर इशारा कर रहे हैं। अब ऐसे में आप देखिए, एक तरफ युद्ध है, थोड़े दिनों के लिए भले इसका युद्ध विराम किया गया है क्योंकि पोलियो का अभियान वहाँ चलाया जा रहा है, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद ये दूसरे तरह की एक तरह से वॉर टैक्टिक्स कही जा सकती है कि जहां पर अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। हमास ने ये कह दिया है या बता दिया अपने इस काम के बारे में। देखिए, आप इनसे इस पूरी घटना के ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, अगर आप उस पर नजर डालें तो देखिए, जो बाइडेन कह रहे हैं कि वो इस घटना से बेहद निराश और क्रोधित हैं और वो उन्होंने खुद कहा कि वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक अमेरिकी नागरिक की इसमें हत्या हुई है। तो देखिए, अमेरिका के किसी भी नागरिक की, पूरी दुनिया में कहीं पर भी उन पर किसी भी तरह का हमला होता है या उनकी हत्या होती है, तो अमेरिका का उस पर जो प्रतिक्रिया होती है बहुत तीखी होती है। तो अब देखिए, ये एक प्रकार से जो है एक फिर इस बात की तरफ बात आगे बढ़ रही है कि गाजा में फिर कुछ हो सकता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी
अल्बानीज, इन्होंने कहा कि ये बहुत ही विनाशकारी घटना थी जो कुछ हुआ, और 6 बंधकों को जिस तरह हमास ने मार डाला है ये बिल्कुल जो है ये बहुत ही दुखद घटना है। उसी तरह इमैनुअल मैक्रों जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये कहा कि ये जो है उन्होंने भी इस घटना की बहुत निंदा की है और ये कहा कि ये बेहद दुखद है कि जिस तरह से बंधकों की जो है निर्दोष बंधकों की हत्या कर दी गई और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। निंदा इसकी देश विदेश से निंदा इस बात की हो रही है। वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो बचे हुए बंधक हैं उनको फौरन रिहा किया जाना चाहिए। तो देखिए इस पूरी घटना को लेकर आप देखें जो कि नेटो फोर्सेज हैं इनके या फिर जो अमेरिका और इसराइल के साथी मुल्क हैं उन्होंने इसकी घोर निंदा की है और ऐसा लगता है कि ये जैसे ही गजा में जो एक सीज फायर है ये जैसे ही खत्म होता है, काइंड ऑफ सीज फायर है जो कि पोलियो अभियान के चलते है, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि गजा में एक बार फिर जबरदस्त हमला होगा। लेकिन एक बड़ी बात नीलू अब ये है कि सवाल बड़ा ये है कि जो बंधक अभी भी हैं हमास के पास इनका क्या होगा, इनको छुड़ाने का क्या तरीका है? क्या देखिए इसराइल की फोर्सेस इन तक नहीं पहुंच पा रही है, IDF इन तक नहीं पहुंच पा रही है, दिनों से तलाश हो रही है, मैंकास से नहीं, और बार बार इस बात को हमास कहता रहा है कि आप उस लोकेशन को नहीं पकड़ पाए कि जहां जहां आपके बंधक हैं, तो आप क्या छुड़ाएंगे उनको? तो ये बहुत मतलब चौतरफा दबाव में इस वक्त नेतन्याहू दिखाई दे, बिल्कुल दबाव में है। तो एक तरफ तो IDF के लिए कई चुनौतियां हैं कि भाई ये जो क्या बंधक हैं इनको पहले तो खोजा जाए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर इनको छुड़ाने के क्या तरीके हैं, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या क्या किसी तरह का कोई पीस प्रोसेस अब आगे होगा, क्या इन बंधकों को छुड़ाने के लिए इसराइल की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से कोई पहल होगी, क्या उन्होंने जो शर्तें लगाई हैं, कहते हैं कि जो शर्तें लगाई हैं उनके चलते ये पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या इसराइल उनको वापस लेने को तैयार होगा जो उसका इंटरनल प्रेशर बन रहा है नेतन्याहू पे? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब अगले 4-5 दिनों में मिलने चाहिए, तभी ये बात डिसाइड हो पाएगी कि जो बंधक हैं इनका फ्यूचर क्या हो पाएगा। ठीक है, तो इन बंधकों का फ्यूचर क्या हो पाएगा जो इस वक्त भी हमास के चंगुल में फंसे हुए हैं? अब देखिए 6 इजरायल जो नागरिक थे उनके शव जब बरामद हुए हैं तो नेतन्याहू पर भी चौतरफा इस वक्त दबाव है, जिसमें से एक का अमेरिका का नागरिक बताया जा रहा है। जो बाइडेन ने भी इसकी निंदा की है, एक तरफ अब इसराइल कह रहा है कि वो इस जो हमास की जो हमास ने काम किया है, जो शव बरामद किए गए हैं उसका बदला लेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, उनका कहना है कि जो बंधक है उनको पहले छुड़ाने का काम इजरायल करे, वरना जो लगातार लोगों में रोष है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।